ये लोग धमकी देने लगे जान से मारने की। तीन लोगों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर अपराधी है इसमें। मुनमन रंजन दुबे बार बार हम लोगों पर दबाव बनाते थे कि इनसे समझौता कर लिया जाए, गाली गलौज करते थे। थाने में बैठा करके प्रताड़ित किया गया, वो धमकी दे करके जबरदस्ती मुकदमे में सुलह बनाने के लिए दबाव बनाया गया। उच्च अधिकारियों से थाना स्थानीय से लेकर के अधिकारियों की थी कोई कार्रवाई नहीं। ये प्रकरण था सर एक जमीन से संबंधित था, उनका यही महबूबगंज में एक जमीन का विवाद था सर, उसी प्रकरण में ऐसे विवाद हुआ सर। वहीं के तात्कालिक चौकी प्रभारी मुनिमरंजन दुबे जी द्वारा जो माननीय प्रबंधक जी को थाने में बैठा करके प्रताड़ित किया गया, और उनके साथ उनके सहायक मतलब चालक, उनके ड्राइवर और भी उनके साथी वगैरह मिलने गए, उनके सामने जो है इनको प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज धमकी दे करके जबरदस्ती मुकदमे में सुलह बनाने के लिए दबाव बनाया गया, और अनावश्यक रूप से बिना किसी आरोप के थाने में रात भर बैठाए रखा। तो इसकी इन्होंने शिकायत की उच्च अधिकारियों से, थाना स्थानीय से लेकर के अधिकारियों की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इन्होंने माननीय न्यायालय में परिवाद का प्रार्थना पत्र दाखिल किया 190 के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने अपने बयान दिए और साक्षियों द्वारा बयान अंकित हुए। इनके बयान व साक्षियों के बयान व सारे एविडेंस और साक्ष्य संकलन के आधार पर माननीय न्यायालय ने फिर चौकी प्रभारी मुनिमरंजन दुबे जी को जो है वो तलब किया। आज उन्हें जो है आज उनकी तारीख पेशी लगी हुई थी विचारण हेतु, जिन पे थाने के गोसाईगंज के पैरोकार द्वारा जो है उनके जरिए व्हाट्सएप सर्विस करा दी गई है। इसके बावजूद वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आए, जिसमें अग्रिम तिथि सुनवाई हेतु दिनांक 24/11/2024 नियत है। सर ऐसे माननीय न्यायालय है जहाँ हमें सारी व्यवस्थाओं से थक हार करके बैठ जाते हैं, तब माननीय न्यायालय ही एक सहारा बचती है, और ऐसे में न्यायालय ने पूरी पारदर्शिता से, पूरी शुचिता से जो है प्रबंधक जी के प्रकरण पे न्याय किया है, और उन्होंने उनको साक्ष्य और सबूत के आधार पर चौकी प्रभारी को जरिए संबंध जो है तलब किया। साजिश से कुछ अपराधी लोगों ने जमीन का बैनामा पहले दूसरे किया था, बाद में पैसा लेकर के मुझसे कर दिया। जब मुझे ज्ञात हुआ तो ये लोग धमकी देने लगे जान से मारने की, और मुकदमा हमने किया तो उसको वापस लेने की। तीन लोगों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर अपराधी है इसमें। इन लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे जो है यहाँ दर्ज हुए, एक गुसाईगंज थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए, एक अयोध्या ये कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक अभियुक्त तत्काल जेल गया। सभी अधिकारियों ने जो है संज्ञान में लिया बात को और उसको भेजा, बाकी लोग फरार थे, सबकी चार्जशीट लग गई। मुनमन रंजन दुबे बार बार हम लोगों पर दबाव बनाते थे कि इनसे समझौता कर लिया जाए, गाली गलौज करते थे, और वहीं हमारे क्षेत्र के चौकी प्रभारी थे, इस वजह से ये उन लोगों का साथ दे रहे थे और अपराधियों से मिले हुए थे। साक्षियों के साथ माननीय न्यायालय ने को ऐसा लगा कि हमारे जो आवेदन है वो सत्य पाया गया, और मुनमन रंजन दुबे जो है इसमें सम्मिलित पाए गए। इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, आज इनकी पेशी थी, मगर ये अब आज आए नहीं। माननीय न्यायालय को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे सभी साथियों को जो मनोबल बढ़ाते रहे, वकील साहब को, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत दिनों बाद न्याय मिला, तीन मुकदमे 2 साल पहले दर्ज हो गए थे, चौथा मुकदमा अभी दर्ज हुआ है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।